ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु शरणम्, ओम विष्णु भगवान तुम्हें सुमरु बारंबार। कृपा तेरी मुझ पर सदा, तेरा ही आधार, तेरा ही आधार, निवाऊ शीश तुम्हें सब बार। भूल चूक माफी करो, तुम्ही हो सर्जनहार, तुम्ही हो सर्जनहार, शरण मित दीजिए। ओ मरीषु शरणम भजे, सदा मेरे पर दीजिए। जाम्बो जी हंसालो हट के लाला जी, 12 साल तक मौनी मौन तपवाला जी। जाम्बो जी हंसालो हट के लाला जी, 12 साल तक मौनी मौन तपवाला जी। हंसा के गोद खिलावे, लोहट जी हर समनावे। हंसा के गोद खिलावे, लोहट जी हर समनावे। निराहार रहते हैं, ओम विष्णु के गुण गावे। जपे नित माला जी, 12 साल तक मौनी मौन तपवाला जी। जाम्बो जी हंसालो हट के लाला जी, 12 साल तक मौनी मौन तपवाला जी। ना बोले फल तू पानी, ना नींद आंख में आनी। बोले फल तू बानी, ना नींद आंख में आनी। सच बालक के कुछ होया, यूं कहती हंसा रानी। दोष साचाला जी, 12 साल तक मौनी मौन तपवाला जी। जाम्भो जी हंसालो हट के लाला जी, 12 साल तक मौनी मौन तपवाला जी। कर देखे नालोरी के वन से लेते, जान लगा कर देखे नालोरी के वन से लेते। नाचे ना खेल करे हैं, जैसे ओरन के देते। मौन सा ढाला जी, 12 साल तक मौनी मौन तपवाला जी। जाम्भो जी हंसालो हट के लाला जी, 12 साल तक मौनी मौन तपवाला जी। कहे राम करण गुण गा लो, ओम विष्णु का ध्यान लगा लो। करण गुण गा लो, ओम विष्णु का ध्यान लगा लो। इस जाम्बो जी ध्यान लगाया, उस ध्यान को देखो भालो। हो गए उजाला जी, 12 साल तक मौनी मौन तपवाला जी। जाम्बो जी हंसालो हट के लाला जी, 12 साल तक मौनी मौन तपवाला जी। जाम्बो जी हंसालो हट के लाला जी, 12 साल तक मौनी मौन तपवाला जी। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। सजनों, ये कथा प्रसंग जाम्भो जी का पोहित को चमत्कार दिखाना के नाम से है। जाम्भो जी 12 साल के मौन तप में भगवत नाम का जप तप कर रहे थे। उस समय जाम्भो जी के माता पिता हंसा लोहर जी कुछ भरम में पड़ जाते हैं, और भरम एक भुलावा होता है।
भूल से प्राणी संसार में दुख पाता है। एक दृष्टांत है, एक कोई जमींदार था, उसके घर में दूध देने वाली कोई गाय भैंस नहीं थी। तो उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, 1000 रुपये इकट्ठे करके, और वो गाय भैंस लाने के लिए घर से निकल पड़ा। अब जहां भी गया वहां गाय का भैंस का मोल पूछा, 3-4-5 हजार से कम दाम जो है गाय के नहीं मांगते हैं, और 10-12-15 हजार रुपये जो है वो भैंस के मांगते हैं। अभी जमींदार का सौदा जो है वो जचा नहीं। जमींदार ने देखा, चलो भाई कुछ पैसे और जमा करेंगे, फिर कोई गाय भैंस खरीदेंगे। ऐसा विचार करके उसने किसी गांव में रातवासा लिया। सुबह जल्दी जल्दी ही वो जो है अपने घर की ओर चल पड़ा। गांव से बाहर निकला तो सुबह सुबह एक कोई सेठ साहूकार लोटा लेकर के बाहर जंगल घूमने के लिए जो गया था, और वहां पर एक हरकड़ी गादड़ी थी, यानी पागल गादड़ी थी, वो सेठ जी के गल पर जाती है, सेठ जी को खाने के लिए दौड़ती है। तो सेठ जी ने देखा, ये तो पागल गादड़ी है, हरकनी है, तेरे को खा जाएगी तो तू मर जाएगा। अब सेठ जी ने बड़ा होशियारी से काम किया, गादड़ी के दोनों कान पकड़ लिए आगे से और उसको बिल्कुल काबू कर लिया, उसको हिलने नहीं दिया। अब वो गादड़ी खाने के लिए बहुत कोशिश करती है, मगर सेठ जी बड़े होशियार थे और गादड़ी के कुछ भी पल्ले पड़ने नहीं दिया। इतनी देर में वो जमींदार उधर से आ जाता है। उसने देखा, ये क्या बात है, हैं? ये कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, क्या बात है? अरे अरे भाई, यहाँ तो कोई कैमरा वैमरा दिखता नहीं है, कोई स्टूडियो भी नहीं है। अरे यहाँ जंगल में ऐसे सुनसान में ये कैसे फिल्म की शूटिंग हो रही है? पर उसने देखा, आजकल साइंस जो है वो तरक्की पर है। देखो, बिना तार के ही जो STD है, PCO है आदि जो है, विदेशों से लोग फोन पर बात करते हैं। ऐसे ही कोई स्टूडियो बन गया होगा, ऑटोमेटिक। वाह भाई वाह, भेर जी वाह, देखा, ये मौके की बात भेर जी ने कही है। तो उस जमींदार ने देखा, भाई ऐसा कोई स्टूडियो बन गया होगा जो जंगल में ही शूटिंग हो, और कहीं पर भी जो स्टूडियो हो तो वहाँ ये फिल्म जो है रिकॉर्डिंग हो जाती है। अब वो जमींदार ने पास में आकर के पूछा, अरे भाई जी, आप कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? सेठ जी ने कहा, अरे पागल, तू मूर्ख, तू देखता नहीं है? अरे ये गादड़ी है, गादड़ी रुपये देने वाली गादड़ी है, और जितनी बार मैं इसको हिलाता हूँ उतनी बार ये रुपये देती है, रुपये झाड़ती है। जैसे कोई बोल्टी के बैरिये होते हैं और कोई पकड़ करके उसको हिलाता है तो बोरिये नीचे गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? ये बिल्कुल गिरते हैं। तो देखो, क्योंकि सेठ जी की जेब में 20-25 रुपये थे, वो सिक्के वाले, पहले चांदी के रुपये होते थे सिक्के, वो सेठ जी की जेब से नीचे गिर गए थे और प्रमाण के लिए सामने पड़े थे। जमींदार ने देखा, ओहो, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अरे हिलाने से, झड़काने से रुपये झड़कते हैं, और ऐसी चीज जो है तेरे हाथ आ जाए तो तू मालो माल हो जाए। उसने कहा, भाई भाई जी, आप इसको बेचना चाहते हैं? बोलो भाई, अच्छा कोई दाम दे दे तो हम बेच भी सकते हैं। उसने कहा, जी ज्यादा दाम तो मेरे पास में है नहीं, 1000 रुपये हैं। तो सेठ जी ने कहा, अरे 1000 रुपये में क्या होता है, ये तो रुपये देने वाली गादड़ी है, हिलाने से रुपये नीचे गिरते हैं, आप सोच लो, 1,00,000 रुपया दे तो क्या ज्यादा है? पर जमींदार ने कहा, मेरे पास में तो 1000 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं है। सेठ जी ने देखा, एक तो हरकनी गादड़ी इसे पीछा छूटे, 1000 रुपये आ गए। उसने कहा, देख भाई, तू अच्छा आदमी है, मेरे पास में आ गया, तू मेरा तो खास आदमी हो गया, अब तो मैं गादड़ी तेरे को जरूर ही दूंगा, पर देख ये नीचे जो रुपये जड़के हैं ये तो मेरे हैं। क्योंकि सेठ ने समझ लिया कि इसके पास में तो गाड़ी चढ़ने के लिए भाड़ा भी नहीं छोड़ना है। अब बेचारा जमींदार सोचता है कि गादड़ी को ले जाऊंगा घर पर, बहुत से रुपये झड़काऊंगा, मालो माल हो जाऊंगा। उसने 1000 रुपये जेब में से निकाले। सेठ जी ने कहा, भाई ये 20-25 रुपये इकट्ठे करके एक दूर जगह पर 1000 रुपये साथ में मिला के रख दो, और गादड़ी के अच्छी तरह से कान पकड़ लो, क्योंकि ये गादड़ी मेरे बाग लगी हुई है, और इसको तुमने छोड़ दिया तो ये मेरे पीछे चली जाएगी, तो तुम्हारे रुपये भी चली जाए, ये रुपये भी चले जाएंगे, गादड़ी भी चली जाएगी। जमींदार ने कहा, वो तो कोई और ही देखो, क्योंकि जमींदार में ताकत थी। उसने कहा, शेठ जी आप, भाई जी आप कहो तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, गादड़ी तो क्या चीज है? बोले, नहीं भाई, मेरे को तो छोड़ना ही पड़ेगा, बस गादड़ी को पकड़ लो, हैं, दोनों कान जरूर पकड़ लेना। अभी जमींदार ने आकर के गादड़ी के दोनों कान पकड़ लिए। शेठ जी ने वो रुपये जेब में डाले, थोड़ी सी दूर पर जाकर के कहा, अरे भाई
ये तो तुम्हारी माँ जो गादड़ी है ये अड़कनी है, पागल है, इसको छोड़ मत देना, अरे छोड़ दिया तो तुम्हारे को खा जाएगी। अरे अब जमींदार को बड़ा गुस्सा आया कि ठहर अब मैं तेरी खबर लेता हूँ, मगर क्या करे बेचारा जाल में फंस गया। अब गादड़ी को छोड़ता है तो गादड़ी खा जो है उसको खा जाती है, और नहीं छोड़ता है तो रुपये जा रहे हैं। तो भाई ऐसे लोग पाखंडियों के जाल में फंस जाते हैं, वो दोनों तरफ से निकल नहीं सकते, मगर जब सदगुरु मिलते हैं, भगवान की कृपा होती है, तब सही रास्ता मिलता है। तो देखो जाम्भो जी के बारे में ये जो बात बताई जा रही है, मिथ्या बात कभी जीवन में जाम्बो जी नहीं सुनाते थे, ना बोले यूं पड़े भरम में मात पिता दुख पाते थे। मिथ्या बात कभी जीवन में जाम्बो जी नहीं सुनाते थे, ना बोले यूं पड़े भरम में मात पिता दुख पाते थे। कहती लोहत जी से करो उपाय जरूरी जी, ना बोले हैं बालक हमारा है कोई कष्ट जरूरी जी। वो पे वेद बहुत दुनिया में करे उपाय जरूरी जी, ज्यादा समय फेर लगने से हो नुकसान जरूरी जी। शाने ढूंढ कहीं से लावो केड़ा जान घबराते थे, ना बोले बात कभी जीवन में जाम्भो जी नहीं सुनाते थे, ना बोले यूं पड़े भरम में माता पिता दुख पाते थे। बतावे गूंगा बालक कोई कहे ये जन्म खामी, वेदाती माँ बहुत से आए हारे दे दवानामी। पाखंडी धन के लालच में झूठी बरते थे हामी, उनको पता ना जाम्भो जी नित जपते थे अंतर्यामी। कोई कहे इनके छाया ओ परी, कोई कहे इनके छाया ओ परी, भूत प्रेत बतलाते थे। मिथ्या बात कभी जीवन में जाम्भो जी नहीं सुनाते थे, मिथ्या बात कभी जीवन में जाम्भो जी नहीं सुनाते थे, ना बोले यूं पर भरम मेरे माता पिता दुख पाते थे। कई लोग ऐसे आए दोरे जंतर करने वाला, झाड़ फूक कर खोलन लागे बालक के मुंह का ताला। कष्ट जान कर बालक के लोहट ना धीरज लाते थे, ना बोले यूं पड़े भरम मेरे माता पिता दुख पाते थे। मिथ्या बात कभी जीवन में जाम्भो जी नहीं सुनाते थे, ना बोले यूं पड़े भरम मेरे माता पिता दुख पाते थे। Thank you.
बीत गए जी। बीत गए कई साल अभी तक लोहट फिर भी हारे जी। जांबो जी उनको समझाते करते बहुत इशारे जी। जांबो जी उनको समझावे कर कर बहुत इशारे जी। भोला बालक समझ लो हट जी बात न उनकी विचारे जी। भूले भर में लोग लोहट को आय चक्कर में डारे जी। राम करण से जांबो जी ओम विष्णु का ध्यान लगाते थे। मिथ्या बात कभी जीवन में जांबो जी नहीं सुनाते थे। मिथ्या बात कभी जीवन में जांबो जी नहीं सुनाते थे। ना बोले यूं पर धर्म में माता पिता दुख पाते थे। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। जांबो जी 12 साल के मौन तप में निरंतर भगवान के नाम का जप तप कर रहे थे। जो भगवान के ध्यानी योगी लोग निराहार विधान बनाते हैं, इसी प्रकार से जांबो जी ने भी निराहार का विधान बनाया। एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान धरते और जांबो जी भगवत महिमा को गुनगुनाते भी रहते थे। कई आड़ोस पाड़ोस की स्त्रियें हंसा को कहती थी कि तुम्हारे बालक कमर के कोई ओपरी छाया भूत प्रेत लगा हुआ है। तुम कोई शाने को बुला करके डोरे जंतर से बालक के जन बालक को ठीक करवाओ, क्योंकि संसार के अंदर जो लोग दूसरों को ठगते हैं उनको लोग शाने समझते हैं, और जो लोग वास्तव में शाने समझदार होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, पर उपकार भलाई करते हैं, उनको लोग भोले और गूंगे समझते हैं। ये संसार में ना समझ लोगों की बात होती है जो ऐसा समझते हैं, मगर जो लोग समझदार होते हैं वे लोग हमेशा समझदारी की ही बात करते हैं और समझदारी की बात को ही समझते हैं और मानते हैं। हंसा और लोहट जी पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और इसी बीच में जांबो जी की भुआ तांतु आ जाती है। हंसा अपनी नरंद तांतु को जांबो जी के न बोलने की बात कहती है। जब तांतु भी इस बात का उत्तर देती है, कभी कहता है कि ये हंसा और तांतु का आपस में संवाद है। हंसा तांतु के हुई आपस में यू बात कि सभी दबोले बाली को ये जाने दी नानाथ। बोले नाही ये नणंद मारो लाजी लो। बोले नाही ये नणंद मारो लाजी लो। है बहुत फिकर की बात भतीजो थारो ए। बहुत फिकर की बात भतीजो थारो ए। भावज मारी ये फिकर थे ना करो। भावज मारी ये फिकर थे ना करो। बोले लो दिन रात भतीजो मारो ए। बोले लो दिन रात भतीजो मारो ए। ऊख जननियों नणंद मारे लाडी लो। ऊख जननियों नणंद मारे लाडी लो। अरे ताल जियेरी तोर भतीजो थारो। मारे ताल जियेरी तोर भतीजो थारो। भावज मारी ये हुओ घर चांदनो। भावज मारी ए हुओ घर चांदनो। ओ करसी चांदनो ओर भतीजो मारो ए। ओ करसी चांदनो ओर भतीजो मारो ए। बोले नाही ए नणंद मारो लाडिलो। बोले नाही ए नणंद मारो लाडिलो। है बहुत फिकर की
बात भतीजो थारोई है बहुत फिकर की बात भतीजो ना पिए ये ननंद मारो लाडलो दूध ना पिए ननंद मारो लाडलो और नाथन चूंगे आया भतीजो थारोई नाथन चूंगे आया भतीजो थारोई भावज मारिए पीवेलो दूधरलो भावज मारिए चुंगेलो आया भतीजो मारोई धन चुंगा बड़ो होई जाय भतीजो मारोई बोले नाही ये नंद मारो लाडलो बोले नाही ये नंद मारो लाडलो है बहुत फिकर की बात भतीजो थारोई है बहुत फिकर की ना भोजन रो चाव भतीजो थारोई ना भोजन रो चाव भतीजो थारोई भावज मारिए के सुख भरी सोयसी भावज मारिए के सुख भरी सोयसी भोजन रो करा उपाय भतीजो मारोई भोजन रो करा भतीजो मारोई बोले नाही ये ननंद मारो लाडलो बोले नाही ये ननंद मारो लाडलो है बहुत फिकर की बात भतीजो थारोई है बहुत फिकर की बात भतीजो थारोई बेठ अकेलो ये ननंद मारो लाडलो बेठ अकेलो ये ननंद मारो लाडलो मन माई हंस तो जाय भतीजो थारोई मन माई हंस तो जाय भतीजो थारोई बावज मारिए कोई दुख है सही बावज कोई है सही थारी बात आई मारे दाया भतीजो मारोई थारी आई ये बात मारे दाया भतीजो मारोई बोले नाही ये ननंद मारो लाडलो बोले नाही ये ननंद मारो लाडलो है बहुत फिकर की बात भतीजो करे की बात भतीजो थारो देर करो ना ए ननंद मारी मान लो देर करो ना ए ननंद मारी
भाई मान लो में कहूँ जोड़ कर हाथ भाती जो थारोए मैं कहूँ जोड़ कर हाथ भाती जो थारोए तेरा चराना ये भावज मारी ये देर अब ना करा क्या बात बनी लोहट जिने बात भाती जो मारो ये मैं कहूँ लोहट जिने बात भाती जो मारो ये बोले ना ही ये ननंद मारो लाडलो बोले ना ही ये ननंद मारो लाडलो है बहुत फिकर की बात भतीजो थारोए है बहुत फिकर की बात भतीजो थारोए कहती है ननंद मारी सोती लो हंसा कहती है ननंद मारी सोती लो अब है मुश्किल में प्राण भाती जो थारो ये अब है मुश्किल में प्राण भाती जो थारो ये काम करण कथे हंसाने तांतू कवे रामकरण कथे तांतू हंसाने केरे भगवत रोदियो रो जान भतीजो मारोए भगवत को दियो रो जान भतीजो मारोए रामकरण कथे तांतू हंसाने केरे भगवत को दियो रो जान भतीजो भगवत को दियो रो जान भतीजो मारो ये भावज मारी ये अब तुम सोती लो भावज मारी ये अब तुम सोती लो कोई नहीं फिकर की बात भतीजो मारो ये कोई नहीं फिकर की बात भतीजो से ओम विष्णु भगवान की जय। हंसा तांतु का इस प्रकार से संवाद हुआ। जब तांतु हंसा को धीरज बंधाती हुई कहती है कि भावज जब तुमने भगवान की भक्ति की तब भगवान ने तुम्हारे को सुंदर पुत्र दिया है, भगवान ही सब ठीक करेंगे। हंसा तांतु मिल कही लोहट जी से जाय कमर बोलावन कारणे जल्दी करो उपाव जांबो जी को एक दिन लिया लोहट जी साथ एक भो पे के जा घरे भूल नवाया माथ। हंसा और तांतु ने लोहट से जाकर कहा कि कंवर जांभा बोलता नहीं है, कंवर जांभा को सही बोलाने के लिए आप कोई उपाय जल्दी से जल्दी करें। तब लोहट जी जांबो जी को साथ में लेकर के एक पाखंडी ब्राह्मण मनमुखी देवी का पुजारी भोपा था उनके घर गए। लोहट जी भगवान के भक्त होकर के देखो कितनी बड़ी भारी भूल करते हैं, उस पाखंडी को जाकर के शीश नवा करके निवेदन करते हैं कि हमारा बालक कंवर जांभा बोलता नहीं है, आप कोई उपाय करें। पाखंडी भोपा कहता है आपके बालक के देवी का दोष लगा हुआ है, इसीलिए आप मेरी बात सुनो। पहले पूजू देवी माय वो पहले पूजू देवी माय देसू बाल की बोलाय कहना मानो जी लोहट पवार। पहले पूजू देवी माय देसू बाल की बोलाय कहना मानो जी लोहट पवार। लोहट दिया यूं फरमाय लोहट दिया यूं फरमाय थारी कही मेरे दाय बालक बोले तो होवे मेरे घर में मंगलाचार मंगलाचार।
परियों को तुमसे मंगाऊंगा, देवी को प्रसन्न करके बल की बुलाऊंगा। ग्यारह जीव मत्करियों को तुमसे मंगाऊंगा, देवी को प्रसन्न करके बल की बुलाऊंगा। देवो देवो बकरी लाय, देवो देवो बकरी लाय, विधि करूं मैं जताय, कहना मानो जी मानो जी। लोहट पवार पहले पूजू देवी माय, देसु बालक बोलाय, कहना मानो जी मानो जी। लोहट पवार ही बकरी लाऊं, देर ना लगाऊंगा, मारे लायक होए जैसी सेवा में बजाऊंगा। लोहट कहीं बकरी लाऊं, देर ना लगाऊंगा, मारे लायक होए जैसी सेवा में बजाऊंगा। लोहट दी है बकरी, लोहट दीरी है बकरी लाय, भोपा मन में हर साय, कहना मानो जी मानो जी। लोहट पवार लोहट दिया शीश झुकायो, हाँ लोहट दिया शीश झुकायो, हरी कही मेरे दाय, बालक बोले तो होवे मेरे, घर में मंगलाचार मंगलाचार। तुमसे लोहट लेबू मन चाही, पूजा की सामग्री सब पहले मंगवाई। बधाई में तुमसे लोहट लेबू मन चाही, पूजा की सामग्री सब पहले मंगवाई। देनी होगी मुझको गाय, देनी होगी मुझको गाय, रहा वचन भरवाय, कहना मानो जी मानो जी। लोहट पवार लोहट की आशीष झुकाय, थारी कही मेरे दाय, बालक बोले तो होवे मेरी, घर में मंगलाचार मंगलाचार। सुने हैं सब देखे चतुराई, अपना कर्म ब्राह्मण रहा है भुलाई। गांधी जी सुने हैं सब देखे चतुराई, अपना कर्म ब्राह्मण रहा है भुलाई। कहता राम करण समझाय, भूलो ओम विष्णु को नाय, कहना मानो जी लोहट पवार लोहट भी आशीष झुकाय, थारी कही मेरे दाय, बालक बोले तो होवे मेरी, घर में मंगलाचार मंगलाचार। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। उस पाखंडी भोपे ब्राह्मण ने लोहट जी को पूजा की सब सामग्री, लोहट जी से सब पूजा की सामग्री मंगवाई और 11 बकरियां भी मंगवाई। लोहर जी ने सोचा ये 11 बकरियां जो हैं अपने घर धीने के लिए मंगवा रहा होगा ब्राह्मण अपने घर के लिए। ऐसा सोच करके और लोहर जी जो हैं 11 बकरियां ला करके उनको दे देते हैं। और जब वो पाखंडी जो हैं वो खड़ा हो करके और अपना जो है पाखंड करने के लिए तैयार होता है, उस समय वहां जांबो जी खड़े होते हैं और इशारे से देखो जांबोजी किस प्रकार से समझाते हैं। पत्थर पड़े अकल पे देखो, पत्थर पड़े अकल पे देखो, ब्राह्मण पाप कमाता है, 11 जीव बकरियों को ये भोपा मारना चाहता है। पत्थर पड़े अकल पे देखो, ब्राह्मण पाप कमाता है, 11
जीव बकरियों को ये भोपा मारना चाहता है। ब्राह्मण के पढ़े नरक अधर्म से हो, अधर्म से कोई सुख नहीं होता, सुख तो शुद्ध कर्म से हो। शुद्ध करे वेदों का पाठ और रखे ले अधर्म से हो, ब्राह्मण हो या ब्रह्म तो चीने दूर अज्ञान भरम से हो। परहित परोपकार करे जब वो पुरोहित कहलाता है, ग्यारह जीव बकरियों को ये भोपा मारना चाहता है। पत्थर पड़े अकल पे देखो ब्राह्मण पाप कमाता है, ग्यारह जीव बकरियों को ये भोपा मारना चाहता है। उछल कूद कर पाखंड बहुत रचाता है, बोले शब्द जोर से मनमुख सिर को खूब हिलाता है। कभी मौन हो के पल मारे आसन पद्म लगाता है, कभी प्रतिमा दे देवी को भारी उद्यम मचाता है। स्वार्थ के बस में हो कर के धर्म को भूला जाता है, ग्यारह जीव बकरियों को ये भोपा मारना चाहता है। पत्थर पड़े अकल पे देखो ब्राह्मण पाप कमाता है, ग्यारह जीव बकरियों को ये भोपा मारना चाहता है। जांबो जी कहे पाखंडी तो करता है मनमानी, तुमको पाप लगेगा भारी मारेगा तेरे कान। ब्राह्मण कहे बकरिये ग्यारह देखो सब इनके कानी, गर्भवती है दो ही बकरियां तब जांबे जी कही बानी। गर्भवती है दो या बकरियां जब जांबे जी कही बानी। बात सुनिए जांबो जी की ब्राह्मण पता लगाता है, ग्यारह जीव बकरियों को ये भोपा मारना चाहता है। पत्थर पड़े अकल पे देखो ब्राह्मण पाप कमाता है, ग्यारह जीव बकरियों को ये भोपा मारना चाहता है। गर्भवती थी दो या बकरियां बिल्कुल सच्ची बात हुई, जांबो जी बिल्कुल है योगी जब ब्राह्मण को जात हुई। जांबो जी है बिल्कुल योगी जब ब्राह्मण को जात हुई, हाथ जोड़ कर माफी मांगी गलती में की छात हुई। हाथ जोड़ कर माफी मांगी जब गलती की छात हुई, ये पाप से मुक्त कराओ भूल भरम में बात हुई। रामकरण के गुरु बिना भगवत महिमा ना पाता है, पत्थर पड़े अकल पे देखो ब्राह्मण पाप कमाता है। पत्थर पड़े अकल पे देखो ब्राह्मण पाप कमाता है, ग्यारह जीव बकरियों को ये भोपा मारना चाहता है। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। जांबो जी ने कहा लोगो ये पाखंडी भोपा मनमुखी है और धर्म से विमुख होकर के भगवान से विमुख होकर के पाप करता है और इन बकरियों को मारना चाहता है। जो बलि चढ़ाने के बहाने अपना उल्लू सीधा कर रहा है, जांबो जी ने उस ब्राह्मण पाखंडी भोपे को फटकारते हुए कहा कि अगर तुम इनको मारते तब तुम्हारे को तेरे जीवों के मारने का पाप लग जाता। पाखंडी ने लोगों को कहा ये बालक झूठ बोल रहा है,
इनको तो ये भी ज्ञान नहीं है कि बकरियां तो 11 ही हैं, तब मुझे तेरे जीवों के मारने का पाप कैसे लग जाता। जांबो जी ने सबके सामने कहा कि अरे पाखंडी, मैं भगवान का भक्त सच्चा योगी हूँ। मैंने भगवान की प्रेरणा से ये बात जान ली है कि इनमें 2 बकरियां गर्भवती हैं। ये बात सुनकर के ब्राह्मण ने पता लगाया, तब जांबो जी की बात सच निकली। वास्तव में 2 बकरियां उनमें गर्भवती थी। जब ब्राह्मण ने सोचा वास्तव में ये जांबा बालक भगवान का भक्त और सच्चा योगी है, ब्राह्मण हाथ जोड़ करके जांबो जी के चरणों में गिर जाता है और गलती की माफी मांगता हुआ, आगे मैं कोई भूल करके भी पाखंड पाप नहीं करूंगा। जो मैंने गलती में पाप कर दिए हैं उन पापों से मेरे को मुक्त कराओ, मुझे आप अपना शिष्य बनाओ। तब जांबो जी ने उस ब्राह्मण को सत्य ज्ञान उपदेश किया। जांबो जी के सुन रहे ब्राह्मण, धर्म कर्म रखना चाहिए। जांबो जी कहते सुन ब्राह्मण, धर्म यह रखना चाहिए। भगवत पूजा भगवत स्मरण, श्वास श्वास करना चाहिए। भगवत पूजा भगवत स्मरण, श्वास श्वास करना चाहिए। विद्या पढ़ो पढ़ाओ सबको, देना दान और देना चाहिए। विद्या पढ़ो पढ़ाओ सबको, देना दान देना चाहिए। करके यज्ञ कराओ सबसे, ओम विष्णु शरणा चाहिए। पूरन ब्रह्म एक ओम विष्णु है, कभी भी शरणा ना चाहिए। जाए जी हो का पाखंड पूजन कभी नहीं करना चाहिए। भूले भटके लोगों को भी सतमार्ग लाना चाहिए। मनवच कर्म तीन प्रकार से, हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए। कष्ट न देना किसी जीव को, दया सदा रखना चाहिए। पर उपकार भलाई करके, यज्ञ में जस पाना चाहिए। पर उपकार भलाई करके, जग में यश पाना चाहिए। सत्संग करके प्रेम प्रीत से, भगवत गुण गाना चाहिए। सत्संगकारी के प्रेम प्रीत से, भगवत गुण गाना चाहिए। राम करण कह एक देव, ओम विष्णु का शरणा चाहिए। जांबे जी कही सुन रे ब्राह्मण, धर्म नियम रखना चाहिए। धर्म नियम रखना चाहिए। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। जांबो जी ने कहा हे ब्राह्मण, एक देव सतपूर्ण ब्रह्म ओम विष्णु की सेवा पूजा करते हुए, उसी के ही नाम का श्वासोश्वास में स्मरण करते हुए, भगवान की शरण में विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना चाहिए। यज्ञ करना और यज्ञ करवाना चाहिए। दान लेना और दान देना चाहिए। मन से वचन से कर्म से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। दया रखते हुए किसी भी जीव को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। पर उपकार करते हुए भगवान की शरण में दुनिया में यश पाना चाहिए। इस प्रकार से जंब ने दिया ब्राह्मण को ज्ञान, धारण कर सत धर्म को तो जपने लगा भगवान। अरे लोहट जी जंब साथ में आए घरे भी आए, हंसा कोश बहाल जो कह दिया लोहट आयो। लोहट जी कुछ समझते हंसा समझे ना।